लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक इंसान के घर एक सन्यासी मेहमान बना। रात खाने के बाद सब बैठकर गपशप करने लगे। तभी उस सन्यासी ने कहा, ये क्या तुम यहाँ छोटी मोटी खेती करते हो? मैं अभी साइबेरिया के सफ़र से वापस आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि ज़मीन बहुत ही सस्ती है। अपनी यहाँ की सारी ज़मीन जायदाद बेचो, इतने में तो तुम्हें वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। लोग भी वहाँ के बड़े भले हैं, लगभग मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर खेती करो, बहुत ही जल्द तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। यह सुन उस घर के मालिक का लालच जाग गया। उसने अगले ही दिन अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेची और साइबेरिया के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो बात सच निकली। वहाँ सच में ज़मीन बहुत सस्ती थी और कौड़ियों के भाव बिक रही थी। उसने वहाँ के लोगों से बात की कि उसे भी ज़मीन खरीदनी है। तो गाँव वालों ने कहा, ठीक है, तुम जितना भी धन लेकर आए हो उसे रख दो। हमारे यहाँ ज़मीन बेचने का केवल एक ही तरीका है। कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें चलना शुरू कर देना है और सूरज डूबने तक तुम जितनी भी ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आ जाओगे तो वह सारी ज़मीन तुम्हारी होगी। लेकिन याद रहे, सूरज डूबने तक तुम्हें अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचना ही होगा। उस पूरी रात उस इंसान को नींद नहीं आई। शायद हम लोग उसकी जगह होते तो हमें भी नहीं आती। इंसानी दिमाग ही ऐसा होता है। वह रात भर सोचता रहा कि कितनी ज़मीन कब्जा पाऊँगा, कितना तेज़ भागना चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैसे कब्जाई जा सकती है। जब मैं बहुत सारी ज़मीन कब्जा लूँगा तो मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊँगा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही वह भागा। गांव के सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे जहाँ से उसकी दौड़ शुरू होने वाली थी। उसने अपने साथ खाना और पानी भी ले लिया था कि भागते भागते ही बीच में खा लूँगा और पानी पी लूँगा, क्योंकि अगर बैठ कर खाना खाया तो बहुत सी ज़मीन कब्जाने से रह जाएगी। सभी खड़े थे उस जगह पर। उसने उस शुरुआती लाइन से चलना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तो वह चला, फिर उसने सोचा कि ऐसे चलने से तो आधी ज़मीन ही कब्जा पाऊँगा, इसलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह भागता रहा, उसकी सांस फूलती रही, पर वह भागता रहा। उसकी रात बनाई हुई योजना के हिसाब से उसे 12 बजे वापस पहले वाले स्थान की तरफ मुड़ जाना था, लेकिन उसने देखा कि आगे और भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, थोड़ी सी और अपने घेरे में ले लेता हूँ। वह मीलों दूर आगे आ चुका था। भागते भागते 1 बज गए। अब उसे लगा कि वापस लौटना चाहिए, वरना सूरज डूबने से पहले प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन फिर उसने सामने की तरफ देखा, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी थी। उसके लालची दिमाग ने उसे समझाया कि बस आज की ही तो बात है, लौटते समय ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लेना, ज़िंदगी में फिर दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। वह भागता रहा, वह खाना पीना भी भूल गया। उसने अपना खाना और पानी भी फेंक दिया क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी टोपी और ऊपरी कपड़े भी फेंक दिए ताकि वह और खुलकर दौड़ सके। ऐसे ही वह कुछ मील और भागता रहा, लेकिन अंततः उसे अपना मन मारकर लौटना ही पड़ा। 2 बज चुके थे। अब 8 घंटे में तय किए गए सफ़र को केवल 4 घंटे में पूरा करना था। यह उसे असंभव लगने लगा। उसके हाथ पैर थक चुके थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वह भागता रहा। सूरज डूबने को आ गया। उसने देखा कि वह प्रारंभिक बिंदु के काफ़ी करीब आ चुका है। लोग भी दिखने लगे हैं। लोग जोर जोर से उत्साह में चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसने मन ही मन सोचा, कितने भोले लोग हैं, इन्हें तो यह सोचना चाहिए कि मैं दौड़ते दौड़ते मर जाऊँ ताकि मेरा धन और यह ज़मीन दोनों इनकी हो जाए। अब आखिरी कुछ दूरी रह गई थी और सूरज लगभग डूबने ही वाला था। उसके पैर अब और भागने से मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान झोंक दी। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसने देखा सूरज की कुछ लालिमा अभी भी आसमान में है। उसने शुरुआती लकीर की तरफ देखा, वह उससे कुछ 5-7 गज दूरी पर ही था। वह घिसटने लगा। उधर सूरज की लालिमा खत्म हुई, इधर उसके हाथ ने उस लकीर को छू लिया। वह जीत चुका था, वह इतनी सारी ज़मीन का मालिक बन चुका था। लोगों ने खुशी से उसे देखा और उठाने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, उसका शरीर ठंडा और शांत हो चुका था। अब वह इस दुनिया में नहीं था। शायद इतना भागने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया होगा और वह मर गया। यह देख वहाँ आसपास खड़े लोग हंसते हुए आपस में बातें करने लगे कि सूची में एक और मरने वाले लालची व्यक्ति का नाम जुड़ गया। पता नहीं लोग हर साल क्यों यहाँ मरने चले आते हैं। इस खबर को सुनकर कि यहाँ ज़मीन बहुत सस्ती है, जबकि आज तक किसी ने भी सफलतापूर्वक ज़मीन पाने की शर्त को पूरा ना किया था। या तो वह भागता भागता मर गया था या वह शर्त में अपना धन ही हार गया था। यह यहाँ का नियम बन चुका था। तभी वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मनुष्य की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं, और यही लालच ही इस इंसान की मौत का कारण है। इसी के विपरीत मुझे एक दूसरी कहानी याद आ रही है। एक बच्चा था, बड़े अमीर परिवार से संबंध रखता था। उसके परिवार में सभी किसी न किसी अच्छी पोस्ट में थे और सारे पैसे वाले थे।
इसलिए बचपन से ही उस लड़के पर भी दबाव डाला गया कि वह किसी अच्छी नौकरी के लिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दे। परिवार वालों ने उसके लिए वकील बनने का पैसा सबसे उचित समझा। उसे वकालत की पढ़ाई करवाई गई। शुरुआत में तो उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसे इस पैसे से दौलत और शोहरत मिलने लगी, उसका इसमें मन लगने लगा। वह धीरे धीरे अपने शहर का सबसे प्रसिद्ध वकील बन गया। वह दिन में 16-16 घंटे अपने काम में लगा रहता। उसने अपने परिवार और अपने शरीर पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से कुछ पेचीदा और मुश्किल केसों को जीता, जिससे उसका नाम देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार हो गया। उसके पास शहर के सबसे रईस इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था, एक प्राइवेट जेट था, छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड और एक चमचमाती हुई लाल फरारी। उसने अपनी ज़िंदगी में वो सारी दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी जिसके वह कभी सपने देखता था, लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने काम से नफरत होने लगी थी। उसकी दौलत, उसकी गाड़ी, उसके बंगले कुछ भी उसे सुकून नहीं दे पा रहे थे। वह एकदम बेचैन और अशांत रहने लगा। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लोगों ने रोक लिया। फिर उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और आत्मिक शांति की तलाश में निकल पड़ा हिमालय के पहाड़ों में, जहाँ उसकी भेंट एक योगी से होती है और फिर वह भी योगी बन जाता है। इन दोनों ही कहानियों से एक बात साफ होती है कि हमारी लाइफ में धन, दौलत, शोहरत सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सब चीज़ें हमें खुशी नहीं देती। इसलिए हमें हमारा इनफ पता होना चाहिए कि किस लिमिट के बाद हमें पैसों के पीछे नहीं भागूंगा। ये इनफ यानी पर्याप्त की लिमिट सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी होनी चाहिए, ताकि उस लिमिट के बाद हम यह कह सकें कि मैंने अपना इनफ प्राप्त कर लिया है, अब मुझे इस भागा दौड़ी में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए यह इनफ 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 5 करोड़ और किसी के लिए 10 करोड़। इसलिए एक बार बैठ कर ये कैलकुलेट कर लें कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर उसके हिसाब से अपने टारगेट सेट करें उस धन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे लालच की पूर्ति कभी नहीं होने वाली। इसलिए हमें हमारा इनफ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ जी सकें। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।